हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स हंट पे। आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके उस वीडियो को देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन वीडियोज़ में मैंने इसके एग्जाम्पल्स और इस एक्सरसाइज में जो थ्योरम यूज़ होगी वो सब आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये फिगर हमें गिवन है और क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है हमें, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम। तो जो जो गिवन है वो हम लिख लेंगे पहले। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। और क्या दिया है, ए ई इज परपेंडिकुलर टू डी सी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए डी। ए बी इक्वल टू 16 गिवन है हमें। ए ई इज इक्वल टू 8 गिवन है। सी एफ 10 सेंटीमीटर गिवन है। और हमें निकालना क्या है, ए डी। तो क्या निकालना क्या है, फाइंड ए डी। ए डी हमें निकालना है। तो चलिए अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में ये बहुत इजी है, हमें पता है कि ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो अगर पैरेललोग्राम है तो उसका एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट यानी कि एल्टीट्यूड। तो यहाँ लिखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड। अगर आप ये देखेंगे ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन है क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो अगर हम देखें सी डी या ए बी कुछ भी ले ले, बात एक ही है, सी डी इंटू ए ई क्योंकि ए ई इसका एल्टीट्यूड है। ऐसे अगर हम देखेंगे तो ए डी और सी एफ इस पे परपेंडिकुलर है, तो ए डी इंटू सी एफ ये भी पैरेललोग्राम का एरिया ही आएगा। और जब दोनों पैरेललोग्राम के एरिया है तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब हमें इसमें ए बी की वैल्यू 16 गिवन है लेकिन पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल टू सी डी होगा यानी कि सी डी भी 16 हो गया, जो ए ई है वो 8 हो जाएगा। ए डी की वैल्यू हमें निकालनी है और सी एफ हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है। तो बस अब यहाँ से हमारा ए डी आ जाएगा 16 इंटू 8 अपॉन 10, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 64/5 ये आपकी ए डी की वैल्यू आ गई। और इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, 12.8 सेंटीमीटर। तो बस देखा आपने कितना इजी था, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया हो जाएगा वो बेस इंटू एल्टीट्यूड हो जाएगा। और बेस इसके दोनों साइड हो सकती है, सी डी भी हो सकती है और ए एफ भी हो सकती है। और इनके इन दोनों साइड्स के मतलब एल्टीट्यूड क्या होगा, जो दो पहले साइड्स हैं उनके बीच की हाइट वो आपकी एल्टीट्यूड हो जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ई एफ जी एच आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, शो दैट एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो इसमें हमें फिगर गिवन नहीं है लेकिन इसमें हमें बोला क्या गया है कि ई एफ जी एच जो है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और उनके मिड पॉइंट हैं ई एफ जी एच। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, यहाँ से शुरू करते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब जो ए बी है उसका मिड पॉइंट हमने मान लिया ई है, यहाँ पर इस साइड का मिड पॉइंट है एफ, इस साइड का है जी और इस साइड का मिड पॉइंट है एच, ठीक है। इन मिड पॉइंट्स को अगर आप मिला लेंगे तो ये हमारे पास आ गया ई एफ जी एच। अब हमसे बोला क्या क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। उसके लिए कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम एच और एफ को मिला देंगे। तो यहाँ लिखिए कंस्ट्रक्शन, जॉइन एच टू एफ। अब हम यहाँ से इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं।
अब आप देखिए, जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये हमें पहले गिवन था, तो जो ए डी है वो बी सी के इक्वल होगा। यहाँ लिख लीजिए ए डी इक्वल टू बी सी, रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब जब ए डी इक्वल टू बी सी है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, तो इनका ए डी का हाफ क्या हो जाएगा, एच इसका मिड पॉइंट है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये ए एच हो जाएगा, इक्वल टू बी एफ हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी बी एफ हो जाएगा, और ए डी और बी सी पैरेलल है तो ए एच भी पैरेलल हो जाएगा बी सी के। और सिमिलरली क्या होगा, डी एच पैरेलल हो जाएगा सी एफ के। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि देखिए अगर ए डी और बी सी पैरेलल हैं और इक्वल हैं तो इनका हाफ क्या हो जाएगा, ए डी का हाफ क्या होगा, ए एच एंड एच डी, और बी सी का हाफ क्या होगा, बी एफ एंड एफ सी, और ये दोनों पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे आपस में, क्योंकि ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ए बी एफ एच और एच एफ सी डी, ये दोनों भी पैरेललोग्राम हैं। सो ए बी एफ एच एंड एफ एच डी सी आर पैरेललोग्राम, क्यों, क्योंकि इनका जो, अगर ए डी और बी सी इक्वल है तो इनका हाफ ए एच और बी एफ इक्वल हो जाएगा, और इनका हाफ पैरेलल भी होगा, सेम इस केस में भी हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इन पैरेललोग्राम ए बी एफ एच, यहां पर आप पैरेललोग्राम पूरा भी लिख सकते हैं। अब आप ए बी एफ एच में देखेंगे तो जो ट्रायंगल है एच ई एफ और पैरेललोग्राम है ए बी एफ एच, ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और इनका बेस भी सेम है एच एफ, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल और पैरेललोग्राम बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड ऑन द सेम बेस होता है तो उस ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। ये हमारी थ्योरम है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ एच इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ एच। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ई एफ एच एंड पैरेललोग्राम ए बी एफ एच आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये रीजन हो गया आपका। आप ये सेम रीजन इसमें भी दे सकते हैं, एच एफ सी डी पैरेललोग्राम एच एफ सी डी में, तो आप ये सेम रीजन देके क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एच जी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एच एफ सी डी। इसमें भी आप ये बोल देंगे कि ट्रायंगल एच जी एफ एंड पैरेललोग्राम एच एफ सी डी आर ऑन द सेम बेस एच एफ एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एच एफ एंड डी सी। ठीक है, ये सेम चीज आप यहाँ लिख दीजिएगा। अब आप ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ एच प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एच जी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ एच प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ एच एफ सी डी। तो अब देखिए ई एफ एच और एच जी एफ मिलके क्या बन गया, ई एफ जी एच, तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल टू हाफ कॉमन आ जाएगा, और ए बी एफ एच प्लस एच एफ सी डी ये मिलके क्या बन गया, ए बी सी डी। तो बस यही हमें प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी। ठीक है, तो आपने देखा ये बहुत इजी था, मतलब इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ के एक तो फिगर बनानी थी, उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन थी। देन आपको ये पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम है उसके साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो अगर उन साइड्स का हाफ होगा तो वो भी एक दूसरे के इक्वल एंड पैरेलल होगा। तो ये सेम चीज़ करके हमने इन दोनों को ए बी एफ एच और एच एफ सी डी को अलग अलग से पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया। उसके बाद हमने इसमें थ्योरम लगाई जो इस एक्सरसाइज में हमेशा लगेगी, कि अगर कोई भी ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पे और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस होता है तो जो उस ट्रायंगल का एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। ये इन दोनों पैरेललोग्राम में ये वाला थ्योरम लगा के हमने सॉल्व किया और उसको ऐड कर दिया, तो हमें जो प्रूफ करना था वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही,
अब हम इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, समझें और प्रैक्टिस करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।